सुनाओ गाना सुनाओ यार। गाना नहीं सुनाता कुछ भी सुनाएगा यार अहमद बात सुनाना। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ये वही तेरे बिन ये हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ये वही तेरे बिन रानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका होस्ट एके मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट व्लॉगर्स। स्मार्ट व्लॉगर्स के नाम से आपका भाई यूट्यूब की दुनिया में कूद पड़ा है। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक ड्वेरस मौजूद है, इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम उबैद रियाज है। आप कहाँ से आए? जी मैं गुजरावाला से आया। गुजरावाला से आए, तो क्या कहेंगे इस खूबसूरती के बारे में, इस हुसन के बारे में, इस वादी के बारे में? जी भाई बिल्कुल, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है नेचुरल जो भी चीज़ होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। ठीक है, तो इधर हम आए हैं, कल ही हमारा जो है पूर्ण हुआ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और बहुत ही मतलब खूबसूरती है। दूसरा एक नेचुरल है क्योंकि हम पंजाब से आए हैं तो वहाँ से इतना सर्दी तो नहीं थी, लेकिन इधर आके काफ़ी जो है इंजॉय भी किया और काफ़ी ठंड भी लग रही है, तो काफ़ी कुछ इंजॉय करने का मिला है। बाकी इधर जो हमारे यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सोसाइटी के लोग रहते हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, मेहमान नवाज जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी ही मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने उस शॉप के बारे में कहा कि मेरे मोबाइल की बैटरी चार्ज कर देना, चार्ज कर दी। तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोऑपरेटिव हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पैसेंजर हैं तो हम कुछ भी रास्ता वगैरह भूल जाते हैं तो हमें गाइड करते हैं, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो पहाड़ों की तरफ लोग होते हैं वो काफ़ी मेहमान नवाज होते हैं। अहमद कितने का देता है? 30 का। 30 का देगा? कल तो तुम नहीं था यार। कल किधर गया था? जंगल मैंने देखा। उधर रात को शेर आया था घर में? नहीं। तुम्हारा वालिद कहता था उधर रात को घर में शेर को मैं मारेगा। शेर को मारेगा? किस चीज से मारेगा? मेरा पास एक है, उससे मारेगा। एक क्या है? खिलाड़ी है? बंदूक नहीं है? नहीं। बंदूक से नहीं मारेगा? बर्दोख है। बर्दोख है? हाँ। अच्छा, अहमद के पास बर्दोख भी है, बर्दोख से शेर को मारेगा। कोई भी शेर अहमद के घर के आसपास आने की कोशिश ना करे, ऐसा है? हाँ। अच्छा सुनाओ ना, कोई सुनाओ गाना। गाना नहीं सुनाता। कुछ भी सुनाएगा यार अहमद, बात सुनाओ। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ये वही तेरे बिन ये हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ये वही तेरे बिन रानी। कर रही है रुतबी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ठीक है अहमद, कल मुलाकात करते हैं, ठीक है, कल मिलेगा। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को इस खूबसूरत वादी के चंद फुटेज दिखाता हूँ, कुछ खूबसूरत मनाजिर दिखाता हूँ, आप लोग ये देखें, इंजॉय करें और फिर वापस मिलते हैं। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? शुक्र है। कहाँ से आए? हम कराची से। कराची से आए, तो कैसा लगा ये वादी, ये बर्फ़, ये व्यू, ये नज़ारा? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है, हमें यहाँ बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। बाकी सर्दी बहुत है, अभी बर्फ़बारी हो चुकी है ना, अभी 2 दिन पहले बर्फ़ पड़ गई थी इस वजह से।
सही सही, मैंने सुना है आगे झील भी है लेकिन वो बंद हुई है अभी। आगे इससे जो सबसे बड़ी और खूबसूरत पॉइंट है वो मॉडर्न लेक है, और उसका अभी रास्ता फिलहाल बंद है, दो तीन दिन में शायद खुल जाए। सही सही, इंशाल्लाह ताला हम दोबारा आएंगे और इधर पूरा घूमेंगे। आप कुछ कहेंगे भाई? भाई बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सर्दी बहुत है, अंडे खा रहे हैं, आप खाओगे अंडा? थैंक यू, कोई मैसेज देंगे अपनी तरफ से भाई? सर्दियों में आओ तो रात नहीं गुजारना यहाँ पर, घूम के वापस जाओ। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और ये लोग चाय पी रहे हैं, गर्मा गर्म अंडे खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू, ओके भाई, शुक्रिया आप लोगों का। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम अपने चैनल पे इसी तरह के खूबसूरत वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें।